गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक नए चेहरे के साथ उपस्थित हैं। ये हैं विनय सर। और आपकी जैसी बहुत सारी कंप्लेन आती थी कि सर रीजनिंग की क्लास नहीं हो रही है, तो विशेषकर ये सर अब आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे एकदम जैसे जीरो लेवल मैथ में आप सभी एकदम फिदा हो गए ना, वैसे आपको रीजनिंग का लत लगा देंगे और एकदम जीरो से लेकर टॉप तक आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपकी कोई भी परीक्षा होती है, रीजनिंग उसमें ज़रूर आता है। अभी चाहे आप रेलवे का ले लीजिए या फिर एसएससी का ले लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, तो उसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए और बेसिक मैथ हम आपको सिखा ही दिए हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी हो रही है। दो चार क्लास जो भी चलेंगी, अब से 15 दिन बाद आपको क्लास मिलना इनकी शुरू हो जाएंगी। एक दो डेमो हम बीच में दिखा देंगे, फिर आप अपने सुझाव दीजिएगा। और PVR स्टडी फॉर SSC पुलिस एंड टेट वाले चैनल पर ये क्लास मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है 3 चैनल अलग अलग कर दिए गए हैं। एक PVR स्टडी जो बेसिक मैथ और DLED के लिए अलग हो गया है, जो मुख्य चैनल था PVR स्टडी प्रयागराज, उस पर सिर्फ बेसिक मैथ और DLED मिलेगा। जो PVR स्टडी ग्रुप चैनल था, उस पर आपके SSC और RRB और जो भी कंपटीशन के एग्जाम थे उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, बेसिक उस पर नहीं मिलेगा। जो तीसरा चैनल था मैथ आसान है, उस पर अब आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th और 12th की NCERT बुक के सोल्यूशन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट। तो तीनों में आप तीन तरह के लोग जो भी होंगे अपने अपना शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक ना। तो लीजिए सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको रीजनिंग की क्लास हम आपकी लेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझा सकें और अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें। बस पहले आप एक आध क्लास लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे है। फिर आप देखिए दोस्तों, अभी हम आपको बताए थे कि हम आपको कोड रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो हम सोच रहे हैं मतलब आपको स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से और एकदम बेसिक से। तो बात आती है कोडिंग डिकोडिंग, आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है और कौन सा नंबर किस लेटर पर आता है, उसको मतलब सीधे से भी और उल्टे से भी, तो हमें उसको समझना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, आपको दिखाते हैं कि ABCDEFGHIJ जो भी लिखा हुआ है, आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर हमने जेड तक लिखा हुआ है और हमने उसकी नंबरिंग कर दी है कि ए का नंबर जो होगा आपका 1 होगा, 2 होगा, ऐसे करते करते हमने पूरा जेड तक लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो फिर आप समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत ही दिक्कत होनी है। तो इस वजह से आप इसको लर्न करेंगे, इसको देखेंगे, सीखेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हमें थोड़ा देखना हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो ये आपका हो गया। अब हमने सीधे से याद कर लिया, जैसे अगर हमने पूछा आपसे कि आर कितने नंबर पे है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 18 नंबर पे आर है। फिर अगर कोई पूछ ले आपको ई कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा 5 पे है। ये चीज़ें उसमें आएंगी क्वेश्चन में, तो आपको जब आप सॉल्व करोगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, जब एक बार ज़्यादा नहीं है, 2-3 बार आप देखेंगे लिखेंगे वो याद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ट्रिक देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बेसिक से याद करे रहेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको दिया जाएगा। तो वैसे तो सभी को ए से जेड तक याद होगा, वो कर लेंगे, ये चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा नंबर किस लेटर के विपरीत में आता है। ये भी उसमें पूछा जाता है कि नंबर आप सीधा से याद कर लिए हैं ए से लेकर के जेड तक। अब उसमें ये चीज़ें हैं कि जब आपको यहाँ पे पूछा जाता है उसमें कि नंबर विपरीत कौन होगा या फिर अपोजिट किस नंबर के किस लेटर के सामने कौन सा लेटर अपोजिट होगा, तो वो चीज़ें हम आपको इसीलिए इसको ऐसा लिखा गया है ताकि आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये आपका एम है, अगर पूछ ले कि एम के अपोजिट कौन सा होगा, तो एन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा कि जब अपोजिट की बात करेगा तो जो दो नंबरों का सम होगा, यानी जो अपोजिट जब बात करेगा, यानी अगर हमें अपोजिट नंबर निकालना हो, अपोजिट को हम हिंदी में बोलते हैं उल्टा, ठीक है, कि कौन से नंबर के अपोजिट में कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब दो नंबरों का सम, जब दो लेटर्स का सम, लेटर्स का सम मींस जोड़ 27 हो जाए, तो वो उसको क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर हमें निकालना हो कि टी के अपोजिट कौन सा होगा, तो ये बताइए टी का तो आपको पता है कि टी का 20 होता है,
ठीक है। अब टी का तो 20 होता है, अब आपको ये पता करना है कि उसके अपोजिट में कौन सा होगा। तो आप टी में ऐसा कितना जोड़ेंगे कि आपका 27 हो जाएगा, तो हम टी में 7 जोड़ेंगे, बस सही जी हाँ। तो जब टी में 7 जोड़ेंगे तो मतलब क्या है, यहाँ तो टी था आपका और साथ हमने जोड़ा कितना 7 का मतलब जी। तो जब आप ये चीज़ लेटर याद कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा, तो 27 हो गया और ये चीज़ क्या हो गया। तो आपका कहने का मतलब इसमें ये है हमारा कि अब जी के जो अपोजिट में होगा वो टी होगा और टी के अपोजिट में जी होगा, कहने का मतलब यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। ऐसे सर ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे समझेंगे भी इसको। तो एक चीज़ें ये हैं कि आप पूरे लेटर्स को याद कर लीजिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कौन से लेटर कहाँ पे आता है, ये भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग, फिर ये सब चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे अच्छे से, तब क्या होगा कि फिर हम उसके आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपको कैसा लग रहा है आप देख लीजिए, समझिए, फिर हमें बताइए। और जैसा भी होगा आप हमको बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि ये चीज़ें हमारी हो गई हैं, अब इसके बाद हम इसमें ये देखना चाहें कि अपोजिट तो हमने निकालना सीख लिया कि अपोजिट इसका ऐसे निकलेगा, दो नंबर्स का ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें हम ये करना चाहें कि जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर ये अब हमें देखना हुआ कि जैसे आपको दे दिया गया, यहाँ पे लिख दिया गया रैट, क्या लिख दिया गया है रैट, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको इसके लेटर्स लिखने हैं, किस नंबर पे कौन आएगा, इसको इसको कोड को डी कोड करना है, तो आप कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए दे दिया गया है कि यहाँ 18 और 1 और 20 दे दिया है, मान लीजिए रेड का कोड 18 1 और 20 दे दिया है, तो आपको ये बताना है कि जो बैट होता है BAT बैट, इसका कोड क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमें इस चीज़ ये चीज़ हमें पता है, आर का मतलब 18 होता है, ए का मतलब 1 होता है और टी का मतलब 20 होता है। ये चीज़ जब आप याद रखोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि अगर ये चीज़ ऐसे दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे कि कैसे किया हुआ है। तो एक चीज़ ये है, अब बैट का लिखना हुआ तो आप क्या करोगे, बैट का मतलब बी का कितना होता है, बी किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए कितने नंबर पे है, 1 पे है, तो 1 हो जाएगा, और टी कितने पे है, 20 पे है, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आपको करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आपको ये चीज़ों को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको ये चीज़ याद हो जाएगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग एकदम हलवा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग हलवा। और रीजनिंग तो हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि एकदम रट जाएगा सारी चीज़ें, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। बस आप चीज़ों को जैसे आपको बताया जाए आप उसे करते चलिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। बता तो रहा ना, रीजनिंग आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, रटा दूंगा, एकदम रट जाएगी हर एक चीज़, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ें आपको वो रट जाएगी। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है मेरे साथ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कहीं कहीं आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मान लीजिए इधर दे दिया गया है कि आपको यहाँ पर लिखता है कि मान लीजिए लिख देता है बॉय, क्या लिखता है, ये लिख दिया बॉय, ठीक है। यहाँ पे लिखा बॉय, आपको पता है कि बी का 2 होता है नंबर, ओ का 15 होता है और वाई का 25 होता है, होता है। और मगर आपको यहाँ पे दे दिया 42, कह दिया कि बॉय का जो कोड है वो 42 है, बॉय का कितना है 42, ठीक है। तब आपको ये बताना है कि यहाँ पे अगर आपको दे दिया मान लीजिए हेन, HEN, तो आपको बताना है कि हेन का कोड क्या हो जाएगा। तो बस आपको पता है एच का क्या होता है, 8 होता है, यहाँ पे लिखिए एच का 8 हो जाएगा, ई का कितना होता है, 5 होता है, और एन का कितना होता है, बोलिए, एन का 14 होता है। तो इसमें हमने क्या किया है, ये 42 कैसे हुआ है, 25 और 15 को आप ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा, फिर 2 को ऐड करोगे 42 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका कोड कितना हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा बताइए आप, ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा आपका, ये 13 हुआ, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 और 14 कितना हो जाएगा,
27, ठीक है। यहाँ पे आपका 13 है, ये आपका 14 है, आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 3 7, और यहाँ 2 27 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो बस यही चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये तो हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं, अभी इसमें थोड़ा लेवल है जो टफ है, जो हमें समझना है। तो बस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, और आपको नंबर याद होने चाहिए। कोई भी पूछे आपसे, जो नंबर हैं वो आपको आना चाहिए। लेटर आपको जो है उनके लेटर अगर पूछ लिया, अक्षर पूछ लिया, अगर मान लिया से पूछा जा रहा है कि 25 पे कौन सा लेटर होगा, तो आप क्या बताओगे, वाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने होते हैं टोटल, 26, एक पहले जाएगा, जेड हो जाएगा। जी ऐसे पूछ लेता है कितना हो जाएगा, एच का मतलब वेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप टी, टी से 20 हो जाएगा, ओ मतलब 15 हो जाएगा। इसी तरह हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से, फिर उस पर हम उसको करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे भी है आप अपने कमेंट दीजिए, अपने बताइए हमें क्या कैसे लग रहा है, फिर हम आपको और सारे वीडियो देंगे और सारे